हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोज स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज देखेंगे नागरिकता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम रिलेटेड, वो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो कौन से अनुच्छेद में? 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किससे? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? इसका तरीका है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन, नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता होना चाहिए। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 6 में है। 8 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? इसका आंसर है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यह हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले तब। 10th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अंधविश्वास, वंशक्रम, पंजीकरण, संपत्ति, स्वामित्व। इसका आंसर है संपत्ति, स्वामित्व। 11th नंबर क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी से होगा। नागरिकता प्राप्त कर व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? इसकी चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या है? 1992 के अनुसार है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर दोस्तों 7 वर्षों तक। 15 नंबर क्वेश्चन, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा? 26 जनवरी 1950। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पे, पर्यावसन पे, वंचित किए जाने पे। तो उसका आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित किस स्थिति में व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त किया नहीं जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। इसका आंसर है तीनों, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसका आंसर है दोस्तों 1949। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका आंसर है कुछ सार्वजनिक पद की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। 20 नंबर क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? इसका आंसर दोस्तों 1955 में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? तो दोस्तों ये इंग्लैंड से अपनाई गई। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, क्या नहीं दावा कर सकते हैं? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार को। 23 नंबर क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो ये दोस्तों अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो दोस्तों वो संसद है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऐसे में रोज एक एक टॉपिक का वीडियो लेते आऊँगा इस चैनल पर। आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।